लगातार आ रही थी कि और एक तरीके से इसको तो यार जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बता दूं कि इनके चार मेंबर में से एक मेंबर थे जिनका नाम गौरव है, उनके पीछे से एक बंदा बियर की बॉटल्स ले। तो यार कैसे हो और सब बढ़िया? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं हमारी आज की पहली अपडेट जो कि है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो यार फाइनली ट्रिगर्ड इंसान ने कर ली है शादी। वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए और लिखे एंड इट फाइनली हैपेंड ब्लेस्ड, एंड इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया। कुणाल छापरा लिखते हैं फेक है, कॉज असली शादी होती तो ट्रिगू जॉर्डन पहनता। फुकरा इंसान लिखे कॉन्ग्रेचुलेशन भैया भाभी। रचित्रु लिखे वेट वॉट। आशीष चंचलान लिखते हैं वॉट, एंड वहीं पर रचित रोजा लिखते हैं वेटिंग फॉर द म्यूजिक वीडियो। तो यार कुछ लोगों को लग रहा है कि ट्रिगर्ड इंसान उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि हाँ सच में उन्होंने शादी की है। तो यार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताओ कि आपका क्या कहना है इस बारे में। तो यार चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की अगली अपडेट जो कि है हनी सिंह और रफ्तार के बारे में। तो यार अभी हाल ही में हनी सिंह और रफ्तार के बारे में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो यार कंट्रोवर्सी बताने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर नहीं किया है तो। यो हनी सिंह का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है राज समानी के चैनल पर, जिसमें उन्होंने माफिया मुंदीर के बारे में बात करी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, माफिया मुंदीर नाम का एक रैपर्स का बैंड हुआ करता था आज से बहुत सालों पहले, जिसमें यही तीनों रैपर्स एक साथ मिलकर रैप किया करते थे, जैसे कि बादशाह, हनी सिंह एंड रफ्तार। माफिया मुंदीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, माफिया का सबसे इंस्पायर्ड प्रिंसिपल क्या है जिस वजह से मैंने नाम रखा, विच इज रिस्पेक्ट योर हायरार्की। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अगर मुझे हनी बाजी नहीं बोल सकते, मेरी क्या इज्जत करो? अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। मेरा हनी सिंह था, हनी सिंह ने शुरू किया था, नहीं हमने शुरू किया था, हनी सिंह था, हम भी थे, ये भी था, वो भी था, वो भी था, सब बोलते। मैं आज तक किसी भी टेलीविजन पे किसी भी कैमरा के सामने बात नहीं बोली। अगर आपको कहते हो कि आप माफिया मुंडीर थे तो आप माफिया मुंडीर की आइडियोलॉजी है विच इज रिस्पेक्टिंग हायरार्की, ये नहीं क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो भी एंड इसी को लेकर रफ्तार एक रिएक्ट किए अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करके। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। तो यार चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की अगली अपडेट जो कि है थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई जोगिंदर ने रोडीज में ऑडिशन दिया भाई। जी हाँ, प्रदीप ढाका जी ने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें आप सुन सकते हो, बेसिकली उनकी फोटो तो नहीं आ रही है जोगिंदर की, बट आप सुन सकते हो कि उन्होंने रोडीज में जाके ऑडिशन दिया और क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए। कैसे एसोसिएट करता है? सर ऐसे करता हूँ कि एक तो आप ये मान लो कि जैसे कि मेरी प्रिंस भाई से बात हो जाती है ना, उससे पहले मैंने ये देखा है कि प्रिंस भाई एक वो चीज़ है कि स्टार्टिंग में आए थे रोडीज में, वो अभी तक है ना रोडीज के जज बन गए, मतलब कहाँ आए थे और कहाँ चले गए। तो सर मैं उसको इसलिए मानता हूँ कि हाँ भाई प्रिंस भाई है, और रघु सर भी थे पहले, वो जो बात है मुँह पे बोल दिया करता था, गाली देनी थी जो उनको गलत लगता था मुँह पे बोला करता था, पर वो सर आजकल दिखते नहीं। तो सर प्रिंस भाई वो आएगा शो में तो क्या करेगा सर? क्या करेंगे सर, बिग बॉस वही करना है। बिग बॉस हुआ सर, एक पूरा पूरा घर में लड़ाई झगड़ा होता है, प्यार प्रेम होता है, बनाने के ये चलते चलते हैं, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो रहेगा नहीं कि तू अपने। हाँ समझ गया सर। तो तू तेरी दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होगी शो में बने रहने के लिए? सर यही रहेगी जो कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी उसका पार्ट हूँ, कोई टास्क में आया सबसे आगे रहने की कोशिश करूंगा कि भाई हाँ इस टास्क को मैं पहले करूंगा। तो यार चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की अगली अपडेट जो कि है लल्लन टॉप के बारे में। तो यार हम सबको पता है लल्लन टॉप एक न्यूज चैनल है। तो यार कल उनके चैनल पर एक डिबेट चल रही थी और वहाँ एक फनी इंसिडेंट हो गया, बड़ी बांधकर परेड करा दी गई, और उसके बाद से ये अब एक दो बार और देखने को मिला कि कैसे अतीक वहाँ पे कसारी मसारी ले जाया गया वहाँ पे, ये तस्वीरें लगातार आ रही थी कि और एक तरीके से इसको। तो यार जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बता दूं कि इनके चार मेंबर में से एक मेंबर थे जिनका नाम गौरव है, उनके पीछे से एक बंदा बियर की बॉटल्स ले जाते हुए देखा गया, जिस पर सौरभ द्विवेदी भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते दिखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की अगली अपडेट तरुण गिल के बारे में। उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है रियल हिट के चैनल पर। जी हाँ, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले कैरी मिनाटी ने उनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो निकाला था जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने बोला, और पहली बार कैरी ने ना रील डाली थी अपने यूट्यूब चैनल में, उसकी पहली रील थी मेरे ऊपर, बोले मैं करना फर्स्ट रील ऑन हिज यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल तू रील मेरे पास आई, मैंने रिएक्शन दिया था
फिर मैंने कैरी के पुराने वीडियोस देखे। इससे पहले मेरे ऊपर हगेश कर चुका था, हगेश को जानता है, उससे पहले धीरू भी कर चुका था, धीरू लड़का है, लक्ष्य भी कर चुका था, लक्ष्य ये सब मेरे पे रोस्ट कर चुके। और देखो जब आपको पता होता ना कि कोई रोस्टर है ना, इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर। देखिए डिफिकल्ट क्यों है, डिफिकल्ट इसलिए है कि आप मेरा सारा कॉन्टेंट खोल लोगे। आपने जो दो तीन देखे ना, आप सोचो कैरी ने, खगेश ने कितने कंटेंट देखे होंगे, सारे 50-100 मेरे पुराने 2017 की स्टोरी, 2016 की स्टोरी सब खोल के उसको एंटरटेनिंग करना। Why will I be pissed? I'll be honored. कि भाई तू मेरी story, you find me so interesting कि तूने भाई मेरा सब खोल दिया। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप में से 50% लोग यार हमारी वीडियो देखते हैं यार, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। एंड तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।